ट्विटर डील पर लगा ग्रहण। शेयर होल्डर्स ने मस्क के खिलाफ दर्ज कराया केस। अब क्या 2025 तक चल जाएगी मस्क की डील? क्या ट्विटर डील मस्क के लिए बन गई है सबसे बड़ी परेशानी? दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत ने कितने जतन कर, कितनी जिद कर ट्विटर के साथ अपनी डील को फाइनल किया था, लेकिन अब यही डील मस्क के लिए गले की फांस बन गई है। मस्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है ट्विटर के साथ ये डील। जहां एक तरफ डील फाइनल होते ही टेस्ला के शेयरों में बेतहाशा गिरावट देखने को मिली, तो वहीं अब मस्क एक नई मुश्किल में पड़ गए हैं। दरअसल मस्क के खिलाफ फ्लोरिडा के पेंशन फंड ने मुकदमा दायर किया है। मस्क और ट्विटर के बीच में डील को रोकने के मकसद से मुकदमा दायर किया गया है। मांग की गई है कि एलन मस्क और ट्विटर की डील को कम से कम 2025 तक रोक दिया जाना चाहिए। दायर याचिका में कहा गया है कि मस्क ट्विटर में एक इच्छुक शेयर होल्डर बन गए हैं। इस डील में 3 साल की देरी की आवश्यकता है, जब तक कि 2/3 शेयर जो उनके स्वामित्व के नहीं है उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती। दायर मुकदमे में कंपनी पर भी आरोप लगाया गया है। कंपनी के मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कंपनी के निदेशकों ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दायर केस में ये भी कहा गया है कि 9% से ज्यादा ट्विटर की हिस्सेदारी लेने के बाद मस्क एक इच्छुक स्टॉक होल्डर बन गए हैं। वो अब ट्विटर की खरीदारी को तभी पूरा कर सकते हैं जब 2/3 शेयर होल्डर्स को उनका स्वामित्व नहीं दिया जाता। लेकिन अब इस डील को 2025 तक रोकने के लिए जोर दिया जा रहा है। हालांकि मस्क अपनी इस डील को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर तरह से वो ट्विटर को हासिल कर लेना चाहते हैं। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब यानी कि 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदा है। हाल ही में मस्क ने बताया था कि वो इस डील के लिए फंड इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और सिकोया कैपिटल फंड ने $80 करोड़, वाई कैपिटल ने $70 करोड़ जुटाए हैं, जबकि ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन ने $1 अरब के निवेश के लिए हामी भरी है। आपको बता दें, मस्क ने ये जो डील की है इसे टेक जगत की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी डील बताया गया है। अब जब डील इतनी बड़ी है और उसमें एक के बाद एक कई अड़ंगे आ रहे हैं, तो इस पर क्या ही कहा जाए। कहां मस्क इस डील को फाइनल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और कहां अब ये डील लग रहा है जैसे 2025 तक के लिए टालने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स के लिए ट्विटर खरीद की ये डील काफी मुसीबत भरी बन चुकी है। और इसी सिलसिले में अब कोविशील्ड कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और ओनर अदार पूनावाला ने भी एंट्री ले ली है। अदार पूनावाला ने मस्क को एक सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्विटर के साथ मस्क का सौदा पूरा नहीं हो पाता है तो वो भारत में टेस्ला कार्स पर फोकस करें। पूनावाला ने ट्विटर के जरिए मस्क को सलाह दी है। अब देखते हैं कि मस्क जो फिलहाल दुविधा में फंसे हैं, वो ट्विटर के साथ अपनी डील बचाने के लिए और पूनावाला की दी सलाह पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? मस्क पर आई इस मुसीबत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।